ठीक है, आज जो हम कवरअप करने वाले हैं वो करने वाले हैं भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण व्यक्तित्व और उनके योगदान, यानी कि इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज और उनका कंट्रीब्यूशन हमारे इतिहास में क्या क्या रहा है। मॉडर्न इंडिया की बात करें तो ऐसे बहुत सारे लोग रहे हैं मॉडर्न इंडिया के अंदर हमारे, जिनका कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत बड़ा रहा है, और उनमें से सवाल कई बार आते भी है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बच्चे समझ नहीं पाते कि किसका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है, किसने कौन सी किताब लिखी है, किसने कौन सी पार्टी को स्टार्ट किया था उस टाइम पे। हम सिर्फ मेजरली समझते हैं चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगोपाल आचार्य, एनी बेसेंट, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन सभी के बारे में जानते हैं, लेकिन इनके अलावा भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनका सोसाइटी के अंदर बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन था, जिनके बारे में हमें एज ए इंडिविजुअल भी पता होना चाहिए और साथ में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट होता ही है। क्योंकि अब वो वक्त गया जब पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, एनी बेसेंट, इनके बारे में सवाल आते थे। आज से 2-4 साल पहले के पेपर देखोगे तो इनके बारे में ही सवाल मेजरली आते थे। अब ऐसा है कि आपसे बलिराम के बारे में पूछ लेंगे, बकिम चंद्र के चट्टोपाध्याय के बारे में, उसके अलावा बदरुद्दीन तैयब जी के बारे में, ठीक है, और अजीत सिंह कौन थे इनके बारे में, फैजल अल हक ये कौन थे, अमीर चंद कौन थे, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट नाम जो जिनका कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा था लेकिन हम इतिहास में हमने कभी इनके बारे में सुना नहीं, तो उनके बारे में पढ़ेंगे। ये जो वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप इसको किसी अपने स्टेट के सबसे नीचे जो सबसे छोटा पेपर है आपका 10वीं पास वाला जो पेपर होता है, LDC वाला जो लेवल है, वहां से लेकर आपके UPSC का जो सिविल सर्विसेज का पेपर है वहां तक, ये सभी आपके जितने भी हमने हिस्ट्री कवर अप करी है सभी पेपर को मद्देनजर रखते हुए करी है। दूसरी बात, ये जो टॉपिक है इसके अंदर मैं आपको 60 पर्सनैलिटीज के बारे में बताऊंगा, नियर बाय 60 पर्सनैलिटीज, यानी कि जो व्यक्ति या व्यक्ति है उनके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। आज जो हम कवर अप करेंगे वो नियर बाय 19-20 लोगों के बारे में कवर अप करेंगे। आप देख सकते हैं एनी बेसेंट से स्टार्ट किया है मैंने, और 19वें नंबर पे राजा गोपालाचारी जी के बारे में मैंने वहां पे लिखा है। तो ये पूरी की पूरी लिस्ट है, नरेंद्र देव, प्रफुल्ल रॉय, पटवर्धन जी, अजीत सिंह जी, ठीक है, फजलुल, अमीर चंद, AV ठाकर, आनंद मोहन बोस, अरुण आसफ अली, भगत सिंह जी, ऐसे चंद्रशेखर आजाद, ऐसे कई सारे नाम जो हमने आज कवर अप करें, तो इनका बारे में हम जानेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे किसने कौन कौन सी पार्टी स्टार्ट करी, इनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन हमारे देश में रहा। चलिए स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले एनी बेसेंट से स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरह हिंदी और इंग्लिश दोनों फॉर्मेट के अंदर कवर अप करेंगे, ताकि अपने देश के जो हिंदी मीडियम के और इंग्लिश मीडियम के जो दोनों स्टूडेंट हैं उनको बेनिफिट हो सके। चलिए देखते हैं, सबसे पहले एनी बेसेंट के बारे में इंपॉर्टेंट क्या है कि उन्होंने हमारे देश में थियोसोफिकल सोसाइटी इंडिया में स्टार्ट करी। देखिए, थियोसोफिकल सोसाइटी जो स्टार्ट करी गई थी ये मैडम ब्लेवेस्की के द्वारा USA में स्टार्ट करी गई थी, लेकिन भारत में इसको स्टार्ट करने वाली कौन थी, एनी बेसेंट थी। होम रूल लीग को हमने पढ़ा था इतिहास में, होम रूल लीग को इन्होंने स्टार्ट किया था, इन्होंने सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना करी, और कॉलेज कहाँ पे, बनारस में भी बनाया। कलकत्ता सेशन के अंदर ये प्रेसिडेंट थी 1917 में, और पहली फीमेल प्रेसिडेंट बनी INC की। इसके अलावा 1920 के अंदर इन्होंने अटेंड नहीं किया था नागपुर का सेशन, क्योंकि गांधी जी के साथ में थोड़े से इनके डिफरेंसेस बढ़ गए थे, और उस टाइम पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया था, तो उसके चक्कर में दोनों के बीच में डिफरेंसेस बढ़ गए, और 1917 में तो ये प्रेसिडेंट बनी और 1920 के अंदर इन्होंने जो सेशन था वो अटेंड नहीं किया। तो ये भी पेपर में कई बार जो डीप क्वेश्चन आता है कि कौन सा सेशन एनी बेसेंट ने अटेंड नहीं किया था महात्मा गांधी जी के डिफरेंसेस के वजह से, तो वो नागपुर सेशन था 1920 के अंदर। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, ये दो न्यूज़पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार इससे रिलेटेड सवाल आता है। इसके अलावा उन्होंने लोटस सॉन्ग भी प्रिपरेशन वो किया था, गीता का ट्रांसलेशन किया था इंग्लिश के अंदर, ठीक है, ये सब भी कुछ काम है जो कि इनके द्वारा करे गए। चलिए देखते हैं और क्या है, भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना करी, वापस से बोल रहा हूँ, भारत में करी थी, इंटरनेशनल तो मैडम ब्लेवेस्की ने करी थी, गलती से भी कंफ्यूज मत हो जाना इसके अंदर। केंद्रीय हिंदू स्कूल कॉलेज की स्थापना करी, 1917 में प्रेसिडेंट बनी, अध्यक्ष बनी, 1920 में इन्होंने अटेंड नहीं किया क्योंकि गांधी जी के साथ में थोड़े से अंतर आ गए थे। समाचार पत्र कौन से, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ की स्थापना करी, साथ में क्या किया, गीता का अंग्रेजी में अनुवादन भी किया, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। चलिए सेकंड देखते हैं, आचार्य नरेंद्र देव की बात करें तो एक स्कॉलर थे, सोशलिस्ट थे, नेशनलिस्ट थे, वकील थे प्रोफेशन से, और इन्होंने नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट के अंदर पार्टिसिपेट भी किया था। पटना सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस 1934 में ये प्रेसिडेंट बने, मेंबर रहे UP लेजिस्लेटिव असेंबली के 1937 के अंदर, प्रिंसिपल रहे काशी विद्यापीठ के 1925 के अंदर,
और वाइस चांसलर भी रहे लखनऊ और बनारस यूनिवर्सिटी के अंदर। साथ में इंपॉर्टेंट क्या है पेपर में, अगर मैं इस पूरे पेज से बात करूं क्या इंपॉर्टेंट है, तो यहां पे ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सोशलिस्ट पार्टी का 1948 में क्या किया, स्थापना करी, तो आचार्य नरेंद्र देव, ठीक है। तो आचार्य नरेंद्र देव जो कि स्थापना सोशलिस्ट पार्टी का नाम जेपी नारायण के साथ भी जुड़ा हुआ है, इनके साथ में भी जुड़ा हुआ है। तो एक्चुअली में 1948 में इन लोगों को ऐसा लगने लगा था कि जो आईएनसी है उसको नेहरू जी पूरी तरीके से डोमिनेट कर रहे हैं, जो नेहरू जी बोल रहे हैं वही कांग्रेस के अंदर हो रहा है, तो इस वजह से इनके डिफरेंसेस थोड़े बढ़ गए और उन्होंने एक नई पार्टी की स्थापना करी, सोशलिस्ट पार्टी उसका नाम रखा गया। चलिए तो वापस से देख लेते हैं, वह एक विद्वान थे, सामाजिकवादी थे, राष्ट्रवादी थे और पेशे से कौन थे, वकील थे। सहभागिता आंदोलन में शामिल भी हुए, पटना में समाजवादी सम्मेलन के अध्यक्ष बने 1934 के अंदर। साथ में इंपॉर्टेंट क्या है, 1948 में सोशलिस्ट पार्टी की इन्होंने स्थापना करी, ये भी आपके पेपर से बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरे प्रश्न है आचार्य प्रफुल्ला चंद्रा राय। आचार्य प्रफुल्ला चंद्रा की बात करें तो केमिकल रिसर्चर थे, हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री ये जो किताब है इसका पब्लिकेशन किया। अब देखिए अगर पेपर में कल को ऐसा सवाल आ जाता टफेस्ट से टफेस्ट क्वेश्चन की, बताइए हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री की जो स्थापना है ये किसने करी थी, तो अगर केमिस्ट्री हिंदू हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री की अगर बात करी जाए तो फिर सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि ये कौन सा पर्सन थे, तो ये कौन थे, प्रफुल्ला चंद्रा राय थे। आयुर्वेदा के अंदर, फ्रेंच केमिस्ट के अंदर इन्होंने काफी काम किया और आईएनसी के प्रेसिडेंट भी रहे, कब, 1920 के अंदर, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो रसायन अनुसंधान के अग्रणी थे, हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री से उन्होंने स्थापना करी किताब की। चलिए और 1920 में भारतीय विज्ञान कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। अगले हैं अर्चुट सी पटवर्धन। पटवर्धन जी के बारे में बात करें तो ये भी फाउंडिंग मेंबर थे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के। मैंने आपको बताया जेपी नारायण जी हो गए, साथ में नरेंद्र देव जी हो गए और पटवर्धन जी हो गए, ये सारे लोग थे जिन्होंने सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना करी, कांग्रेस सोशलिस्ट बोल लीजिए, सोशलिस्ट पार्टी बोल लीजिए। साथ में क्विट इंडिया मूवमेंट के अंदर पार्टिसिपेट भी किया और पॉलिटिक्स देश की आजादी के बाद में इन्होंने पूरी तरीके से छोड़ दी। तो पटवर्धन जी ध्यान रखना है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से नरेंद्र देव जी याद रखना है और तीसरे आपके जेपी नारायण जी ध्यान रखना है। तो तीन नाम आपको ध्यान रखने, 1948 के समवेयर इन्होंने स्टार्ट करी थी। चलिए अगले देखते हैं अजीत जी। अजीत जी भी एक रिवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट थे, 1907 में इनको अरेस्ट भी किया गया, मंडाले कहाँ पे था, म्यांमार वाले एरिया में, वहां पे इनको भेज दिया गया। भारत माता सोसाइटी की स्थापना करी, ठीक है, और एक पेशवा नाम का जर्नल भी जो था, न्यूज़पेपर था, वो भी इन्होंने स्टार्ट किया था। और साथ में आपने लाला हरदयाल की जो पार्टी थी गदर पार्टी, जो कि यूएसए के अंदर बहुत एक्टिव थी, हमारे इंडिपेंडेंस मूवमेंट को वो यूएसए में भी उन्होंने लॉन्च कर रखा था गदर पार्टी के नाम से, तो वहां पे भी ये उनके मेंबर थे अजीत सिंह जी। अब पेपर में कल को आ जाता है कि बताइए भारत माता सोसाइटी किसके द्वारा स्टार्ट करी गई, तो सुन के होश उड़ जाएंगे कि भाई ये कौन से पर्सन है जिन्होंने इस तरीके का नाम है, नाम की जो सोसाइटी है वो स्टार्ट करी, तो आपको ध्यान रखना है अजीत सिंह जी इसका सही आंसर होगा। तो आज का हमारा जो ये जो चार वीडियोज में आपके लिए लेके आने वाला हूं ना, जो ये व्यक्तित्व को लेके, वो ऐसे ही नाम अपन डिस्कस करेंगे जो कि कभी पहले किसी ने सुने नहीं है और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए तो यहाँ पे मैंने आपको बताई दिया भारत माता सोसाइटी की स्थापना करी और पेशावर नाम की एक पत्रिका भी स्टार्ट करी और गदर पार्टी के एक बड़े ही सक्रिय सदस्य भी थे। अगले देखते हैं फजलुल हक। फजलुल हक कौन थे, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के फाउंडर थे, साथ में वन ऑफ द फाउंडर, काफी लोग थे ना इसके फाउंडर, जिन्ना के साथ में और भी कई सारे लोग थे, तो उसमें से एक थे। साथ में थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इन्होंने मुस्लिम लीग को रिप्रेजेंट किया। महात्मा गांधी जी ने कौन सी अटेंड करी थी, सेकंड वाली करी थी, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। इसके अलावा कृषक प्रजा पार्टी 1937 में स्टार्ट करी और बंगाल के चीफ मिनिस्टर भी रहे ये 4-5 साल तक, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कृष्ण प्रजा पार्टी का नाम था, कृष्ण प्रजा पार्टी नाम था जो इन्होंने फजलुल हक ने स्थापना करी थी। और अगर कल को मुस्लिम लीग के संस्थापक के तौर पर पेपर में पूछ लिया जाए तो आपको यहाँ ये नाम भी ध्यान रखना है, गलत नहीं करना है। अमीर चंद, अगले हैं अमीर चंद। लाला हरदयाल सिंह जी के साथ में, राज बिहारी बोस के साथ में इन्होंने काफ़ी बड़े वो करे, प्रोटेस्ट करे, इनको लाहौर बम और दिल्ली में जो कॉन्स्पिरेसी केस था ना, लाहौर में बम केस, उसके अंदर इनको अरेस्ट कर लिया गया और लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर भी इन्होंने बम गिराया था और बाद में इनको, हालांकि लॉर्ड हार्डिंग बच गए थे उस वाले के अंदर, और बाद में इनको क्यों हो गई, मौत की सजा सुना दी गई। तो पेपर में कई बार पूछते हैं कि लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर, बम गिराने के ऊपर किनको जेल सजाए मौत की सजा हुई थी, ठीक है। तो ये जो लाइफ
जो इनको डेथ हुई थी ना, मौत की सजा सुनाई गई थी, तो ये कौन थे? अमीर चंद थे। अगर पेपर में चार ऑप्शन आ जाते हैं और पूछते हैं लॉर्ड हार्डिंग पे बम गिराने को लेकर किसको सजा हुई थी, तो समझ में नहीं आता कि भाई किस तरीके से ये सवाल पूछा है, क्यों पूछा गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है वो कौन से पर्सन थे, अमीर चंद जी थे। चलिए अगले हैं आपके विठ्ठल लाल ठाकर। विठ्ठल लाल ठाकर की बात करें तो भील सेवा मंडल, ठीक है, भील सेवा मंडल था जो भील के बराम, भील एक ट्राइब है राजस्थान के अंदर जो कि आर्चरी बहुत तेज करती है। भील ट्राइब ऐसी है जो कि महाराणा प्रताप की सेना में हुआ करते थे भील लोग। भील लोगों के बारे में ऐसा कहते हैं कि अगर घोड़े के ऊपर कोई चल रहा है ना, घोड़े के ऊपर मतलब अगर कोई जा रहा है तो उसकी आंख में तक वो लोग तीर मार दिया करते थे, ठीक है। लिंबा राम का आपने नाम सुना होगा, राजस्थान के बहुत बड़े आर्चर हैं जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर भी बहुत नाम कमाया है। तो लिंबा राम जो है वो एक बहुत बड़े आर्चर जो है वो भील ट्राइब के वहां से उस एरिया से ही, भीलवाड़ा और जो प्रतापगढ़ और जो वाला एरिया ना बांसवाड़ा उस वाले एरिया से वो बिलोंग करते हैं। तो वो बचपन से ही सीखते हुए हैं आर्चरी, तो बहुत बढ़िया आर्चरी करते हैं। तो ये जो एक भील सेवा मंडल था उसके फाउंडर थे विठ्ठल लाल ठाकर और भारतीय आदम जाति संघ के जो यानी कि जो ट्राइबल जो वेलफेयर एसोसिएशन है जो कि ट्राइब का एसोसिएशन कर उनका वेलफेयर करने को लेकर काम करती है, तो उसके साथ में भी ये ठाकर जी जुड़े हुए थे, ठीक है। हरिजन सेवा संघ के भी ये सेक्रेटरी रहे, तो ये सब नाम है जो कि इनके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए तो भील सेवा मंडल, दो तीन नाम ध्यान रखने हैं, एक तो भील सेवा मंडल, भारतीय आदम जाति संघ और हरिजन सेवा संघ के सचिव रहे, ये तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगले हैं आनंद मोहन बोस। आनंद मोहन बोस की बात करें तो यहाँ पे फाउंडिंग मेंबर रहे इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता के, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस के और इंडियन नेशनल कांग्रेस के, INC के भी फाउंडर मेंबर रहे, ठीक है, आनंद मोहन बोस। और साथ में मद्रास सेशन के क्या रहे, INC के प्रेसिडेंट रहे 1898 में। तो ये सवाल मैंने पेपर में देखा है कि मद्रास सेशन के 1898 के सेशन के अंदर कौन प्रेसिडेंट थे, तो ये पेपर में आता है। तो ये आनंद मोहन बोस जी आपको ध्यान रखना है, नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो क्या हो गया, कलकत्ता इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक, भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन के और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीन एसोसिएशन के फाउंडिंग मेंबर और INC के मद्रास सत्र में अध्यक्ष भी ये रहे। उसके बाद में एक और बहुत इंपॉर्टेंट नाम आता है, अरुणा असफ अली। 1996 अरुणा गांगुली के नाम से भी इन्हें कहते हैं और इन्होंने असफ अली जी से शादी करी थी जो कि क्या थे, फर्स्ट भारतीय एम्बेसडर थे USA के। कौन थे? असफ अली। तो इनका नाम इसीलिए पड़ा पूरा अरुणा असफ अली, ठीक है। जब क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था उस टाइम पे सारे के सारे लीडर्स को 1942 में अरेस्ट कर लिया गया था, जितने भी प्रोमिनेंट अपने जो बड़े लीडर्स थे, तो पूरा का पूरा लीडरलेस मूवमेंट हो गया था वाला, कोई लीडर था ही नहीं उस टाइम पे। तो उस टाइम पे जेपी नारायण है और अरुणा असफ अली है, यही सब लीडर थे उस टाइम पे, काफी यंग लीडर थे। तो इन्होंने अपनी भागदौड़ संभाली और उस टाइम पे उस मूवमेंट को ये लोग पूरे देश तक लेके गए। चलिए और देख लेते हैं, तो उनको जेल भी हो गई थी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के टाइम पे। इंडिविजुअल सत्याग्रह में इन्होंने पार्टिसिपेट किया। INC का फ्लैग जो था मुंबई के अंदर इन्होंने होस्ट करवाया था, जब डुओ करो या मरो का जो नारा था ना गांधी जी ने दिया था, तो ग्वालियर टांग ग्राउंड के अंदर बॉम्बे के अंदर INC के, तो उन्होंने इसको होस्ट करवाया था। दिल्ली की पहली मेयर भी यही थी। इंटरनेशनल लिनन प्राइज से इनको नवाजा गया 1964 में। न्यूज़पेपर लिखे इन्होंने लिंक और पेट्रॉइड इस नाम से, ठीक है, अदंता नारायण और AP बालिका के साथ में। तो और वापस से देख लेते हैं, अरुणा गांगुली के रूप में नामित, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रदूत असफ अली से विवाह किया, अवज्ञा आंदोलन में इनको जेल हो गई, साथ में ग्वालियर टैंक ग्राउंड के अंदर इन्होंने ध्वज फहराया और साथ में 1964 में अंतर्राष्ट्रीय लेनिन पुरस्कार से इन्हें सम्मानित भी किया गया। समाचार पत्र कौन सा, लिंक और देशभक्त, ये दो समाचार पत्र है जिनसे इनका नाम जुड़ा हुआ है। उसके बाद में आते हैं भगत सिंह जी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के मेंबर थे, नवजीवन भारत सभा के पंजाब में ये लीडर थे और इनके ऊपर केस चला था सौंडर की मृत्यु का। सौंडर कौन थे? उस टाइम पे जब लाला लाजपत राय के सिर पर जब लाठी पड़ी थी और उनकी मृत्यु हो गई थी, शहीद हो गए थे वो, तो उसी टाइम के ऊपर वहाँ पे ये वो हैक थे सौंडर्स। तो इनके मर्डर के ऊपर जो केस चला है वो भगत सिंह जी के ऊपर चला है और जो उनको फांसी हुई थी वो उसी वजह से हुई थी, इसी केस की वजह से हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए और साथ में जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली है वहाँ पे बम तो इन्होंने उस टाइम पे गिराया था और किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया था, सिर्फ और सिर्फ देश को जगाने के लिए उन्होंने ये किया था। देखिए अक्सर लोगों को ये लगता है कि भगत सिंह जी ने जो उस टाइम पे बम गिराया था वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ गिराया था, एक्चुअली में उनका मोटिव क्या था कि पूरे देश के लोग जागें,
जब तक पूरे हमारे इंडिया में होता क्या है कि जब तक कोई धमाका नहीं होता जब तक लोग जागते नहीं है, अक्सर ऐसा ही होता है। आज से पहले जब तक वाईफाई स्टडी नहीं था, जब सभी लोग यूट्यूब पे टाइम पास कर रहे थे और एजुकेशन के नाम पे सब ऐसे ही हो रहा था, जब से वाईफाई स्टडी ने अच्छे तरीके से पढ़ाना चालू किया है, धमाका हुआ है, उस टाइम से बाकी सब लोग भी लाइन पे आ गए। तो हमारे देश में क्या होता है, हमेशा धमाके की जरूरत पड़ती है। तो उसी वजह से उस टाइम पे क्या था कि धमाके की जरूरत थी पूरे देश को जगाने के लिए, और इसीलिए उन्होंने अपनी जान खतरे में, पूरी जान गंवाने के लिए उन्होंने अपनी जान की कभी चिंता नहीं करी, और इस वजह से उन्होंने ये बम गिराया ताकि पूरे देश को पता चल सके कि हमारा मोटिव क्या है। हमारा मोटिव किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं, देश की आज़ादी है, इस वजह से वो हुआ था। और 23 मार्च 1931 आपको पता ही है जब वो शहीद हुए थे। चलिए देख लेते हैं, तो पेपर में कई बार पूछते हैं कि नौजवान भारत सभा की शुरुआत किसने करी थी, तो ये जो काम है वो किसने किया था, भगत सिंह जी इसके फाउंडिंग मेंबर थे, साथ में सॉन्डर्स के जो मर्डर केस है वो इनको ऊपर चला था। 23 मार्च 1931 को इनको शहीद ये हुए थे और उस दिन हम शहीद दिवस भी मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट है बदरुद्दीन तैयब जी। तैयब जी के बारे में बात करें तो पहले INC के प्रेसिडेंट रहे, मुस्लिम प्रेसिडेंट, ठीक है। तो ये मद्रास का जो INC का सेशन था तीसरा वाला, तो वहाँ पे ये कौन थे प्रेसिडेंट, तो पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट तैयब जी रहे, बैरिस्टर थे, बॉम्बे से बिलोंग करते थे। इसके अलावा तिलक जी का जो केस था, देखिए उनके ऊपर केसरी के अंदर उन्होंने जो जर्नल लिखा करते थे तो उनके ऊपर केस चला था तिलक जी का, तो तिलक जी का जो केस चला था तिलक जी के ऊपर, तो वो केस इन्होंने ही लड़ा था, तैयब जी ने वो केस लड़ा था। तो ये भी पेपर में बहुत बार पूछते हैं, ठीक है। और मुस्लिम्स को लेके, उनके राइट्स को लेके काफ़ी काम किया, देश को लेके बहुत काम किया, तो ये सब भी आपको ध्यान रखना है। चलिए और देख लेते हैं, मुख्य बॉम्बे बेंच के मुख्य न्यायाधीश भी रहे, और केसरी में राजद्रोह लेखन पर तिलक के मामले में वकालत करी, बॉम्बे विधान परिषद और INC के संस्थापक रहे, संस्थापक सदस्य रहे, तीसरे INC के अध्यक्ष रहे, मुसलमानों के अद्वितीयकरण पर जोर दिया, और बॉम्बे स्थित अंजुमन इस्लाम के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है बालीराम केशव राव। तो बालीराम केशव राव की बात करें तो ये एक मेडिकल ग्रेजुएट थे, एक्टिव मेंबर थे कांग्रेस के, और तिलक जी के जो होम रूल मूवमेंट था ना, जो तिलक जी प्लस एनी बेसेंट दोनों ने मिलकर किया था, तो उसके अंदर पार्टिसिपेट किया और साथ में इस्टेब्लिश किया RSS, ठीक है। तो बालीराम केशव राव हट जो ये हैं, तो ये एक संस्थापक थे किसके, RSS के, जो कि पार्टी आज आप सभी जानते हैं, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। सभी जानते हैं वंदे मातरम जो गाना है, जो वो उसके लिए बड़े फेमस है, वंदे मातरम भारतीय है अपने नेशनल सॉन्ग, जनगणमन अपना नेशनल एंथम है और वंदे मातरम जो है वो अपना नेशनल सॉन्ग है, तो वो इन्हीं के द्वारा लिखा गया था, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा। इन्होंने एक नोवेल भी लिखी थी बड़ी फेमस, आप देख सकते हैं यहाँ पे, क्या नाम था, दुर्गेश नंदिनी, दुर्गेश नंदिनी नाम की बड़ी फेमस नोवेल थी, और इन्होंने 1864 में लिखी थी। साथ में जनरल था बंगा दर्शन, ये भी इन्होंने स्टार्ट किया था। तो पेपर में पूछते हैं कि ये बंगला दर्शन, बंगला सन पत्रिका किसके द्वारा स्टार्ट करी गई, तो ये इनके द्वारा स्टार्ट करी गई। अगले देखते हैं बरिंद्र कुमार घोष। बरिंद्र कुमार घोष की बात करें तो सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन जो आज़ाद दस्ता था ना, 1942 में जिन्होंने काम किया था, उसके उसके लीडर थे ये कुमार घोष, बरिंद्र कुमार घोष। वीकली युगांतर नाम का एक लॉन्च किया वीकली अखबार, ये भी पेपर में पूछते हैं। 1919 में इनको लाइफ टाइम की सज़ा हो गई, उसके बाद में 1919 में इनको छोड़ दिया गया, और उसके बाद में इन्होंने द स्टेट्समैन, आपको पता ना जनरल है स्टेटमैन और बासुमती, इनके साथ में मिलके इन्होंने काम किया, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। गुप्त संगठन के संस्थापक सदस्य थे, संस्था एक युगांतर लॉन्च किया, और इनको बाद में स्टेटमैन और बासुमती से ये इन्होंने जुड़ के काम किया। उसके बाद है मालाबरी जी, बेशराम जी एम बालामरी जी, ये भी सोशल रिफॉर्मर थे, वुमेन को लेके इन्होंने बहुत काम किया, एज ऑफ कंसेंट है इनको चेंज करवाया। देखिए एक लॉ आया था एज ऑफ कंसेंट एज 1891 में, एज ऑफ कंसेंट एज की बात करें तो इनके जो काम था ना, इन्होंने उसमें क्या किया था, अमेंडमेंट करवाए थे। एक्चुअली ब्रिटिशर्स के टाइम पे ये था कि जो सेक्सुअल इंटरकोर्स करने की एक अडल्ट की, ऐसा होता ना कि आज के टाइम पे हम 18 साल हम बोलते हैं कि अगर 18 साल डिपेंड्स ऑन द जगह जगह पे बात करते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पे अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें तो यहाँ पे 18 साल होती है एक लड़की की एज जब वो सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए कंसेंट देती है, वैसे ही अगर हम बात करें नॉर्थ ईस्ट इंडिया की तो वहाँ पे 16 भी है, मैक्सिको में 14-12, ऐसे बहुत जगह पे अलग अलग एज ऑफ कंसेंट होती है। तो उस टाइम पे ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे हमारे यहाँ पे 10 साल की उम्र थी, तो ये बहुत ही कम उम्र थी, तो उसको बदला के उन्होंने चेंज कराने की कोशिश करी, और हालांकि चेंज करवा पाए और उसको 12 साल तक ले गए। तो ये काम जो है वो उस टाइम पे मालाबरी जी के टाइम पे ही
किया गया था, क्योंकि लड़कियों को लेके, वुमेन को लेके विडो रीमैरिज और साथ में ये जो बच्चों को फीमेल फ्यूटिसाइड, इन सब के ऊपर उन्होंने काफी काम किया था। ठीक है, तो ये सारे काम आप देख सकते हैं। कुल मिलाकर फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे इस वीडियो के अंदर, जब हम इतने लोगों के बारे में पढ़ रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने देश को लेकर कॉन्ट्रीब्यूशन किया कहीं ना कहीं किसी न किसी फील्ड के अंदर। हर आदमी को कहीं ना कहीं बुरा लगता है किसी न किसी चीज के ऊपर, जैसे कि मेरे कुछ फ्रेंड है जिनको एनिमल को लेकर बहुत बुरा लगता है कि अगर उनके ऊपर कोई गलत होता है तो वो एनिमल एक्टिविस्ट है, यानी कि एनिमल्स को लेकर बहुत सारे काम करते हैं। ठीक है, जयपुर में कई बार ऐसा होता है कुछ भी जहाँ पे जरूरत पड़ती है उनको, पीटा से जुड़े हुए हैं तो उनकी वो मदद करते हैं किसी भी डॉग को लेकर या स्नेक को लेकर, वाइल्ड लाइफ को लेकर। एक फ्रेंड है जो कि स्नेक को लेकर, स्नेक को बचाते हैं, शहर में कहीं पर भी मिलता है तो उनको वाइल्ड जो वाइल्ड लाइफ है वहाँ पे, जो उनका एरिया है फॉरेस्ट एरिया, वहाँ पे छोड़ के आते हैं। तो सभी को ऐसे किसी को लेकर, बच्चों को लेकर होता है, किसी को एजुकेशन को लेकर होता है, हम लोगों को एजुकेशन को लेकर है। तो ऐसे सभी लोग कुछ ना कुछ किसी ना किसी को बुरा लगता है, तो उन फीलिंग्स को कभी दबाना नहीं चाहिए। मेरा कहने का मतलब यह है कि आपको भी कुछ ना कुछ ऐसा लगता होगा कि सोसाइटी में इस चीज़ को लेकर बदलना चाहिए, तो आपको भी अपना कंट्रीब्यूशन करना चाहिए। जहाँ पे इन लोगों ने जो अपने काम करे वो आज अपने उसके रिजल्ट है, इसलिए अपन सोसाइटी के अंदर अच्छे तरीके से रह पा रहे हैं। तो अगर आपको भी ऐसा कुछ लगता है किसी चीज़ को लेकर आपको स्टैंड लेना चाहिए तो ज़रूर लेना चाहिए। हमेशा हम लोग ये करके अवॉइड करते हैं ज़्यादातर अपने जो यंगस्टर्स होते हैं कि अभी तो हमारा खुद का पता नहीं है, अभी पहले एक बार नौकरी लग जाए उसके बाद करेंगे, अभी तो टाइम नहीं है, तो ऐसे करते करते पूरी लाइफ निकल जाती है अक्सर। ठीक है, क्योंकि आज जो प्रॉब्लम है कल को कोई दूसरी होगी, तो इन चीज़ों को थोड़ा साइड में रखिए। करियर इज ए डिफरेंट पॉइंट, लेकिन साथ में कुछ ना कुछ ऐसा भी करते रहिए ताकि सोसाइटी में बदलाव आता रहे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं अपन इन्फेंट। यहाँ पे मैंने आपको बताया विडो रीमैरिज को लेकर हो गया, सोशल सर्विसेज को लेकर हो गया, सेवा सदन नाम का इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप किया, वुमेन को लेकर इन्होंने बहुत काम किया है, और ये जो एज ऑफ कंसेंट तो मैंने आपके बारे में डिस्कस कर ही दिया। इसके अलावा इन्होंने और भी नीति विनोद, द इंडियन म्यूज इन इंग्लिश ग्रैप गुजरात, इनके ऊपर भी काफ़ी काम किया। ठीक है, इन कार्यों में रहे ये, तो ये सब कार्य किए इन्होंने, ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे सेवा सदन भी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, ये सहमति अधिनियम। ठीक है, एज ऑफ कंसेंट जो है ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भूला भाई देसाई। भूला भाई देसाई के बारे में बात करें तो इन्होंने होम रूल मूवमेंट के बारे में पार्टिसिपेट किया। होम रूल मूवमेंट किसका, एनी बेसेंट प्लस तिलक। ठीक है, एनी बेसेंट प्लस तिलक, भूलना नहीं है। और इनको जेल भी हो गई सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के अंदर। INC को रिप्रेजेंट किया सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर 9 साल तक। साथ में देसाई लिंगत फार्मूला भी दिया 1944 में मुस्लिम लीग को। आपको पता है ना कि इंडो पाकिस्तान दो अलग देश बनने की बातचीत चल रही थी, तो CR फार्मूला तो सभी को पता है, राजगोपालाचारी फार्मूला, जो कि प्लेबिसाइड करने को लेके था। लेकिन और भी कई सारे से लोग थे जिन्होंने अपने फार्मूलाज दिए थे, तो यहाँ पे देसाई लिंकत फार्मूला है जो कि 1944 में दिया गया, तो भूला भाई देसाई के द्वारा ही ये दिया गया था। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए देख लेते हैं वापस से, होम रूल मूवमेंट, नागरिक अवज्ञा आंदोलन में पार्टिसिपेट किया, 9 वर्षों तक कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया केंद्रीय विधानसभा में। साथ में देसाई लियाकत फॉर्मूला इन्होंने तैयार किया, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में चंद्रशेखर आज़ाद, 1906 से 1931। तो चंद्रशेखर आज़ाद जी के बारे में सभी को पता ही है, मेंबर रहे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के और लीडर रहे किसके, हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिकन आर्मी के। पहले तो वो HRA थी, बाद में क्या हो गई, SCRA हो गई। ठीक है, तो उसके ये लीडर भी रहे। आज़ाद का इनको टाइटल क्यों मिला कि जब इनको नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में अरेस्ट कर लिया गया और कोर्ट में इनसे पूछा गया कि आपका नाम क्या है, तो इन्होंने कहा आज़ाद। इन्होंने बोला कि आपका फादर का नाम क्या है, इन्होंने कहा आज़ाद। तो जब इनसे सब जगह से इनके जब सवाल पूछे गए और इन्होंने आज़ाद ही नाम दिया, क्योंकि इनको आज़ादी ही चाहिए थी हमारे सभी लोगों के लिए। ठीक है, इन सभी लोगों का कॉन्ट्रीब्यूशन था जिसकी वजह से आज अपन आज़ाद है और फ्रीली घूम रहे हैं। तो जितने भी लोगों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, अभी हम 19 लोगों के बारे में पढ़ रहे हैं, आने वाले दिनों में 2-4 दिनों में हम 60 लोगों के बारे में टोटल पढ़ेंगे। तो इनके अलावा भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनका कॉन्ट्रीब्यूशन था अलग अलग जगह के ऊपर। तो आज़ाद उनका नाम उस जगह पे पड़ा जब कोर्ट में इन्होंने हर जगह पे आज़ाद ही नाम का। काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस 1925 के अंदर इन्वॉल्व थे, इसकी वजह से इनके ऊपर केस चला। लाहौर कॉन्स्पिरेसी, दिल्ली कॉन्स्पिरेसी, सॉडर्स की हत्या, सेंट्रल असेंबली बॉम्ब एपिसोड, ये सारे के सारे केस इनके ऊपर चल रहे थे और इन्होंने कसम खाई थी कि ये कभी भी इनके हाथ नहीं आएंगे। और इलाहाबाद में अल्फ्रेड पार्क था, वहाँ पे इनको घेर लिया गया और इन्होंने खुद को गोली मार के शहीदी ले ली, लेकिन ब्रिटिशर्स के कभी भी हाथ में नहीं आए। ठीक है, तो अगर पेपर में कई बार पूछते हैं
कि कौन सा गार्डन था, कौन सी सिटी थी जहां पे भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद जी ने अपने आप को गोली मार ली थी। तो ये पेपर में आपको आता है तो अल्फ्रेड पार्क और इलाहाबाद। और आज अगर आप उस गार्डन में जाएंगे तो उनका नाम शहीद भगत सिंह पार्क ही है, भगत सिंह क्या चंद्रशेखर आजाद पार्क ही है, जो कि आपको इलाहाबाद में देखने को मिलेगा। चलिए, तो ये सब आपको ध्यान रखना है। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य, हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिकन आर्मी के नेता, साथ में 1925 में काकोरी, दूसरी लाहौर पदयंत्र और दिल्ली पदयंत्र, लाहौर में सॉन्डर्स की हत्या, केंद्रीय विधानसभा बम प्रकरण, इन सब में शामिल के इनके चार्जेस लगे। उसके बाद में अल्फ्रेड पार्क में पुलिस के साथ लड़ते समय इन्होंने खुद को गोली मार ली, कहाँ पे, इलाहाबाद के अंदर। उसके बाद लास्ट है जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं, वो है राजगोपालाचारी जी। देखिए, लॉयर थे, तमिलनाडु से बिलोंग करते थे और प्रैक्टिस इन्होंने छोड़ दी थी कुछ टाइम बाद में, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम पे। इसके बाद में जनरल सेक्रेटरी रहे INC के, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर रहे। इनको अरेस्ट भी कर लिया गया सॉल्ट मार्च के टाइम पे, ठीक है। मैंने आपको पहले पढ़ाया था कि सॉल्ट मार्च में गांधी जी के साथ में राजगोपालाचार्य भी थे। चीफ मिनिस्टर रहे मद्रास के, क्रिस मिशन को इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, INC से रिजाइन कर दिया 1942 में। CR फॉर्मूला दिया ताकि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में कॉरपोरेशन बना रहे। गवर्नर रहे बंगाल के और भारत के फर्स्ट और लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल भी रहे। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, फर्स्ट और लास्ट गवर्नर, इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और साथ में स्वतंत्र पार्टी की स्थापना करी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या नाम था पार्टी का? स्वतंत्र पार्टी का नाम था, ठीक है। और भारत रत्न इनको 1954 में नवाजा गया। चलिए, तो वापस से देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है, एक तो भारत रत्न इंपॉर्टेंट है, साथ में स्वतंत्र पार्टी की स्थापना इंपॉर्टेंट है, पहले और आखिरी भारतीय गवर्नर जनरल बहुत इंपॉर्टेंट है, बंगाल के राज्यपाल रहे, साथ में CR फॉर्मूला दिया इन्होंने, उसके बाद में क्रिप्स के प्रस्ताव को स्वीकार न करने के लिए 1942 में कांग्रेस से इस्तीफा भी दे दिया इन्होंने, ठीक है। और ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, पेपर में इससे रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। तो ये आज का इंपॉर्टेंट सेशन था, क्योंकि अगर मैं आपको 60 के 60 एक साथ पढ़ा दूंगा तो यू विल गेट कन्फ्यूज, आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो इसीलिए मैं आपको चार पार्ट्स में ये वीडियो पढ़ाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ जो भारत के महत्वपूर्ण व्यक्तित्व लोग थे, उनके योगदान क्या था। तो इसीलिए मैं चार पार्ट्स में आपके लिए लिखे आऊँ ताकि आप रिविजन भी कर सकें, ठीक है। साथ में उम्मीद है कि आप सभी लोग इस सेशन को एंजॉय किया होगा, काफ़ी कुछ आपने नया सीखा होगा, कई सारे ऐसे लोगों के बारे में आपने जाना होगा जिनके बारे में ना कभी आपने सुना होगा ना कभी समझा होगा। तो आने वाले दिनों में इसी तरीके से पढ़ते रहेंगे, जो कि और आपके लिए बेनिफिट आगे होता रहेगा। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर हमेशा की तरह करते रहें, जो कि आप करते हैं। आपका प्यार हमेशा इस तरीके से बना रहेगा।